जय माता दी, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2021 की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना विधि नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से मां शैलपुत्री के पूजन से नवरात्रि प्रारंभ होगी। इस बार की नवरात्रि खास मानी जा रही है। कारण है कि नवरात्रि में 5 रवि योग के साथ सौभाग्य योग और वैधृति योग बन रहा है। इस वजह से इस नवरात्रि नए कार्यों की शुरुआत शुभ रहेगी। दुर्गा माँ का जातकों को आशीर्वाद प्राप्त होगा और शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप कुछ नई चीजें खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस साल 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन तक चलेगी। 9 अक्टूबर दिन शनिवार को तृतीया सुबह 7:48 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी जो अगले दिन 10 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5 तक रहेगी। इस बार देवी माँ के पूजन की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है, जो पूजा व आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ है। नवरात्रि की शुरुआत चित्रा नक्षत्र में हो रही है, जिससे साधना, साहस और संतोष प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि 2021 घट स्थापना मुहूर्त 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक रहेगा। नवरात्रि का पर्व आरंभ करने के लिए मिट्टी की बेदी बनाकर उसमें जौ और गेहूं मिलाकर बोएं, उस पर विधि पूर्वक कलश स्थापित करें। कलश पर देवी जी की मूर्ति धातु या मिट्टी अथवा चित्रपट स्थापित करें। नित्यकर्म समाप्त कर पूजा सामग्री एकत्रित कर पवित्र आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें तथा आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि करके शांति मंत्र का पाठ कर संकल्प करें। रक्षा दीपक जला लें। सर्वप्रथम क्रमशः गणेश, अंबिका, कलश, वरुण, मार्तिका पूजन, 9 ग्रहों तथा लेखपालों का पूजन करें। प्रधान देवता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपली भगवती दुर्गा का प्रतिष्ठापूर्वक ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, पत्र, सौभाग्य द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल, निराजन, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा आदि 16 से विधिपूर्वक श्रद्धाभाव से एकाग्रचित होकर पूजन करें। क्या करें? व्रत में कुट्टू का आटा, समारी चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेधा नमक, फल, आलू, मेवे,
मूंगफली खानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर देवी माँ का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व पूजन से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। नौ देवियों को दिन के अनुरूप उन्हें भोग लगाना चाहिए व उनका पूजन विधान से करना चाहिए। नौ देवियों के अनुरूप उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए, इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। नौ दिन में 24,000 गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाओं का उपयोग जाप के लिए करना चाहिए। क्या ना करें, नवरात्रि के दौरान उपवास करने वाले व्यक्ति को दाढ़ी, मूंछ व बाल नहीं कटवाने चाहिए। कलश स्थापना के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नौ दिन तक सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान नॉनवेज व लहसुन प्याज का सेवन न करें। उपवास करने वाले व्यक्ति को व्रत के खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। उपवास के दौरान शराब का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दौरान तंबाकू के सेवन से व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। छौक या बाघार नहीं लगाएं। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। नौ दिनों तक घर में छौक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज प्रयोग में नहीं किया जाना चाहिए। दाढ़ी, नाखून व बाल काटना नौ दिन बंद रखें। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है।